ठीक है, भगवान ने जन्म दिया, लेकिन जन्म लेते ही क्या हुआ, भूमि पड़त भाड़ा भर पानी, भूमि पड़त भाड़ा भर पानी, जिमी जीव ही माया लिपटानी, भूमि पड़त भाड़ा भर पानी। आकाश में जब जल होता है बादलों के साथ में, तब तो संपूर्ण रूप में शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर पड़ेगा उसके साथ में धूल मिल जाती है, मिट्टी द्वारा आवृत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मातृगर्भ में तो जीव को यह चेतनता रहती है कि मुझे भगवान का भजन करना है, बाहर निकलते ही माया ग्रास कर लेती है और संपूर्ण जो वादा करके आए ठाकुर जी से हम भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं मुझे भी 10% दो। क्या 10% पैसा, 10% हमारी इनकम? कहते हैं नहीं, 10% समय मुझे प्रदान करो। मैंने तुम्हें 24 घंटे का समय दिया है एक दिन में, 10% समय मुझे दो। इसीलिए 24 घंटे का अगर 10% निकालोगे, कुछ 2 घंटे 2.5 घंटा होता है। भगवान कहते हैं कि 2.5 घंटा तुम मेरे लिए दो, क्योंकि सब कुछ तुम्हें मैंने प्रदान किया है। सूरदास कहते हैं यदि किसने मानव देह प्राप्त करके और भगवान का भजन नहीं किया, कहते हैं जिनी तनु देही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल खामी। सूरदास कहते हैं मेरे समान कुटिल, मेरे समान खल, मेरे समान नमक हरामी कौन होगा कि जिसने मुझे सब कुछ प्रदान किया आज मैं उसी को भूल के बैठ गया। भगवान ने हमें सब चीज प्रदान करी और उसको पूर्ण रूप में भूल करके और कहां इस माया के संसार में लग गए। इसीलिए क्या करो, बोले 10% दो भगवान के लिए, समय निकालो। भगवान कहते हैं मेरे लिए यदि कोई एक कदम बढ़ाए मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूं, लेकिन पहल तो हमको करनी पड़ेगी। दाम बंधन लीला यदि होगा समय तो हम श्रवण करेंगे। मैया यशोदा चेष्टा करते 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 सुबह से शाम हो गई, कृष्ण को बांधना चाह रही है आज ओखल से, लेकिन जब जब चेष्टा करते तब तक वही 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती। मैया ने लेकिन दृढ़ संकल्प होकर बोले आज तो मैं लाला को बांध कर ही रहूंगी। जब ऐसी पूर्ण रूप में दृढ़ संकल्प होकर चेष्टाएं करने लगी तब जाकर क्या हुआ, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने। प्रभु ने भी मैया के शरणागत इन चेष्टाओं को देखकर बंधन स्वीकार कर लिया। ओखल से बंध गए कृष्णचंद्र, इतने प्रेम के वशीभूत हैं। तो इसलिए हमारा भी कर्तव्य क्या है, बोले भगवान के लिए एक कदम तो बढ़ाओ, उनके लिए समय तो निकालो। इसीलिए क्या करो, बोले 10% दो। 10% यदि कोई ना दे सके तो 5% से आरंभ करो, 2% से आरंभ करो। भगवान के लिए कम से कम आधा घंटा तो निकालो। आधा घंटा निकाल के क्या करो, कलयुग केवल केवल सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। ये दोहा तो सबको याद है भैया, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम करते कितने लोग हैं, कितने लोगों ने केवल माते से रट्टा है और कितने लोगों ने इस दोहे की अनुभूति करी है। अगर कलयुग केवल नाम आधारा है, उस नाम का आश्रय कितने लोगों ने लिया। भागवत सुन के भी यदि भगवान के नाम में रुचि नहीं हुई, कलयुग के जो तार करने वाला ये भगवान का नाम है इसका आश्रय नहीं लिया तो फिर क्या लाभ रहा। इसलिए क्या करेंगे, सभी लोग सभी से भगवान का नाम करना ही पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। अगर इसको नहीं करोगे तो कोई गति नहीं है। भगवान का नाम यदि कर लिया और सारी चीजें अपने आप हो जाएगी, अनायास ही हो जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं किया तो कहते हैं सब चीज तुम्हारा विफल रह गया, जीरो होल आलू। क्योंकि जाते समय तो कुछ साथ में जाएगा नहीं, अंतिम समय में तो कितने दिनों से सुन रहे हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरे जो वस्तु साथ में जाने वाली है उसके लिए चेष्टा निरंतर करते रहो और जो दूसरी चीजें हैं वो अनुसंगिक रूप में साथ साथ में होती जाएंगी। ठीक है, यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। आज जोर से बोलो, आज गिरिराज की पूजा होगी। बस गिरिराज महाराज की जय। कोई जय के है बोल रहे हो, भगवान की जो जितने जोर से जयकार करें ना, आपका ही जयकार, ठाकुर का थोड़ी जयकार। और एक बार जोर से बोलो, पता चले भैया कथा हो रही है। बस श्री गिरिराज बाबा की। अभी लग रहा है कुछ ताकत है। हाँ देखो प्रभु जी ने आपके एक छोटी सी कथा सुना, मैं भी एक छोटी सी कथा सुना था। ध्यान देकर सुनो, ये कथा सुनाने के बाद मैं दोबारा आपका पूछूंगा,
जो ये कथा मेरे को दो बार सुना देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। अब जो बोल नहीं पाएगा फिर बीच में उसको खड़े कर खड़ी कर दूंगा उसको। इसलिए एक मन से सुना ये कथा की इतने महत्व है। अगर आप भी किसको ये कथा सुनाओगे ना उसका मन भी परिवर्तन हो जाएगा, वो भी प्रभु के भजन में लग जाएगा। आप सोच नहीं सकते ये कथा से मैंने कितने लोगों को प्रभु की भक्ति में लगाया। ध्यान देकर सुनो सब सब एक मन से सुना, फिर कथा के बाद में एक एक कर सबको मैं पूछूंगा, कोई बात मत करो ध्यान से बैठ जाओ। बोले एक समय कोई एक राजा था, कहते वो राजा के चार रानियां थी। कितना रानियां थी? चार। हम लोग ध्यान से सुन रहे हैं। जो राजा की जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को देख देकर उसको खुश करता था। अगर वो बोलती थी गोल गप्पे खाना चाहती, बोले चलो खिला के खिला, बोले मैं जीम में जाना चाहती, बोले चलो ले जा, बोले ऐसे सूट सलवार पहनना चाहती, बोले चलो खरीदी करके लाएगी, बोले पराठा बढ़िया पराठा खाना चाहते, बोले चलो खिला करके लाएगी। अभी राजा उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करती थी। अभी राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी, कहती ये चार रानियों में देखने में सबसे ये सुंदरी थी, हर व्यक्ति चाहते मेरी पत्नी सुंदरी हो। इसलिए राजा जब नगर घूमने जाता था वो रानी को अच्छे तरह से सजा धजा करके अपना बाम पास में बैठा करके ये दुनिया को दिखाया करता था, देखो रानी मेरी कितनी सुंदरी है। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी वो बड़ा मीठा मीठा बोली बोलती थी, इसलिए राजा उसकी मीठा मीठा बोली सुन करके बड़ा खुश होता रहता था। राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी है तो बड़ी प्यारी अच्छी थी, लेकिन राजा जब से उसको घर में शादी करके लाए ना उसको साथ में राजा कोई भी मतलब नहीं रखा, कभी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। अभी राजा का अंतिम समय आया संसार छोड़ने का, सोचा मेरे चार चार रानियां हैं इनसे पूछ करके देखता हूँ कौन कहाँ तक जाए। तब उन्होंने सबसे बड़ी रानी की नंबर आई, आप बताओ सबसे बड़ी रानी कौन थी? इतने जल्दी भूल गए अभी अभी कथा सुन रहे? अरे बोलो बड़ी रानी कौन, अभी इतने जल्दी भूल गए कैसे काम चलेगा? अरे बोलो बड़ी रानी कौन थी? कोई कथा नहीं सुन रहा? राजा जीवन में जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद चीज को देख देकर खुश रखता था, ये थी बड़ी रानी। तो सबसे बड़ी रानी की नंबर आई, बोले रानी मेरे साथ में चलोगी? लेकिन वो सबसे धोखे देने वाली वही निकली, बोले तेरे साथ में मैं एक कदम भी नहीं चलूंगी। बोले क्यों नहीं चलोगी? तेरे लिए जो इतना की, बोले तेरा कर्तव्य, बोले तेरी, बोले मेरे कोई कर्तव्य नहीं करी करते। राजा को तो बड़े धोखा दिया। अभी सोचा दूसरी रानी से पूछे, दूसरी रानी कौन थी? बोलो जो सुंदर थी। राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था सजा धजा करके, राजा जब दूसरी रानी से पूछे तू साथ में चलोगी? वो कहती है मैं चलूंगी क्या, मैं देख रही हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करूंगी? बोले देख मैं कितने सुंदर, जहां जाऊंगी मेरे को ही पसंद कर लेगा, पहले तो तू दुनिया को दिखा करके पहले ही देखा तू रखा, मैं जहां जाऊंगी मेरे को पसंद कर लेगा। राजा का प्यार के नीचे से जमीन खिसक गई, ये क्या बोलती है क्या, दूसरी शादी के लिए तैयारी कर रही है? सोचा तीसरी रानी से पूछूं, तीसरी रानी कौन थी? हाँ हम लोग अभी ध्यान से सुन रहे हैं, जो बड़ी मीठा मीठा बोली बोलता था, राजा जिसकी मीठा मीठा बोली सुनकर बड़े खुश रहता था। राजा ने तीसरी रानी से पूछे रानी तू साथ में चलोगी? ये थोड़ी सी अच्छी निकली, बोले चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले दरवाजा तक चलना कोई चलना है? बोले ज्यादा बोलोगे ना, दरवाजा से चार कदम तक आगे बढ़ सकती हूँ लेकिन उसको आगे तेरे साथ में नहीं जा सकती। बोले राजा बोले भैया तू भी किसी काम के नहीं, दरवाजा तक चलना थोड़ी चलना है। अभी सोचा तीसरी चौथी रानी से पूछे, चौथी रानी कौन थी? और बोलो चौथी रानी कौन थी? राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करके रखा था, बेकार किसी काम की नहीं, ये बेकार कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। राजा सोच रहा है इसको पूछूं कि नहीं पूछूं, क्यों जिसके लिए करोगे उसको पूछोगे, जिसके लिए करोगे नहीं उसको क्या पूछोगे। राजा ने देखा जब रानी एक बार पूछ कर देख लेता हूँ, बोले रानी तुम मेरे साथ में चलोगी?
इतना बोलते रानी तो भड़क उठी, बोले तेरे को शर्म नहीं आ रही? तू जब से मेरे को घर में शादी करके लाए हो कभी तुमने पूछा है तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कहीं पूछा तुमने? जिंदगी में एकदम घर की कोण में तुम्हें फेंक कर रखा मेरे को, और अंतिम समय में कहते तू चलोगी? इतने में वो रानी कहती है, देख राजा तुम जिन जिनियों को प्रेम करता था तुम देख लिया ना, कहाँ तक चली? कोई साथ में चले? बोले कोई नहीं चले। बोले देख दिल से मैं तेरे को सबसे ज्यादा प्रेम में करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी रहूंगी, दुखी में दुखी रहूंगी, बिना खाए भी मैं तेरे को खाना खिलाऊंगी। राजा तो बड़े आश्चर्य में पड़े गए, भैया जिनके लिए जिंदगी भर किया जाने के लिए तैयार नहीं, आज जिसके लिए किया नहीं वही जाने के लिए तैयार। देखो ये जो कथा है ना, ये और किसी जीवन की कथा नहीं, ये हम लोगों की कथा है। ये राजा और कोई नहीं, तो राजा हम ही है, हमारे भी चार रानियां हैं। बोले ये चार रानी कौन कौन है? बोले जो रानी को राजा जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मात्र पसंद चीज को देख देकर खुश रखता था, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन उसने उत्तर किया दिया तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चलूंगी। आप लोगों को बताओ आप लोगों जीवन में सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? कौन बोलेगा हाथ में? आप कौन जीवन में सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हो? बोलो जो क्वेश्चन ही आध्यात्मिक क्वेश्चन है, ये दुनियादारी कोई क्वेश्चन नहीं, ये आध्यात्मिक चतुरता है, ये आध्यात्मिक क्वेश्चन। जीवन में सबसे ज्यादा किसको हम प्रेम करते हैं? किसको प्रेम? आप लोग सुने हुए, जो नहीं सुने बताएंगे, जो पीछे बैठे हो सबके से बोलो। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, शास्त्र कहता है ये जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है नहीं, ये जगत में केवल स्वार्थ है। इसलिए हमें प्रेम ऊपर से दिखती है, चूंकि आपसे अभी कुछ हमें मिल रहा है इसलिए ये प्रेम अभी दिख रहा है, लेकिन मिलना बंद कर दो देखना प्रेम खत्म। वो पति क्यों नहीं हो, पत्नी क्यों नहीं हो, बच्चे क्यों नहीं हो, उसी समय में हमारे साथ में सारे संबंध को वो तोड़ देंगे। फिर अभी प्रश्न होता है, फिर जीवन में सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? क्या हम अपने आप को, अपना शरीर को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? ये शरीर को जो खिलाए पिलाए, शरीर को जो इज्जत दे, उसको ही हम प्रेम करते हैं। जैसे राजा उसकी मन पसंद चीज देती थी, मतलब क्या है, अगर हमारी इच्छा होगी आज हम ऐसे खाना चाहेंगे शरीर को खिलाएंगे, ऐसे पहनना चाहते हैं शरीर को पहनाएंगे, ऐसे देखना चाहते हैं हम देखेंगे, लेकिन जब अंतिम समय आएगा शरीर से पूछो साथ में चलोगी? बताओ साथ चलेगी कि नहीं? कहते जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, ये शरीर यही की यही रह जाएगी। अभी दूसरी जो रानी आई है जो सबसे सुंदर है, जो कहती है मैं दूसरे से शादी करूंगी, ये कौन है? कहते बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, ये सबसे सुंदर, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। पैसा जो कमाते हैं उनको पूछो कितने कठिनी से पैसा कमाते हैं, पैसा रहेगा बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया कपड़ा लता पहनेंगे, बढ़िया दुकान मकान बनाएंगे, दूसरों को दिखाएंगे, लेकिन पैसा से पूछो साथ में चलोगी? बता पैसा चलेगी कि नहीं? वो क्या उतर देती है, मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी, मतलब क्या? आज हमारे पास में पैसा है, शरीर छूटते झट वो पैसा दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। हमारे गांव में जो सबसे बड़े आदमी था ना, मैंने देखा है, जो व्यक्ति शरीर छोड़ दिया उसके तीन बेटे थे, किसी बेटे को हिसाब में थोड़ा कम पड़ा था, जिसको हिसाब में कम पड़ा था ना वो डंडा लेकर आगे खड़ा हो गया, बोले पिताजी की शरीर में जो हाथ लगाया ना सर फोड़ दूंगा, पहले पिताजी की सारी कापी खोलो कितने पैसा कितने बैंक में कितना, पहले बंटवारा हो जाए इसको बाद में पिताजी के शरीर संस्कार होगा। वो संस्कार करके नहीं दिया, पहले सारे चीज को बंटवारा होने का बाद कर संस्कार किए। इसलिए जो पैसा जो हम कमाते हैं वो भी एक दिन दूसरों का नाम पर ये भी ट्रांसफर हो जाएगी, ये भी साथ में चलने वाले नहीं। अभी तीसरी रानी आई जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, जो कहती है मैं दरवाजा तक चलूंगी, कहती ये कौन है? पहला नंबर आई पत्नी की,
पत्नी से पूछे साथ में चलोगी, बोले हाँ चलूंगी, लेकिन एक दरवाजा तो चलूंगी। हमारे सनातन धर्म में पत्नी कहाँ तक जाती है? दरवाजा तक जाती है, उसका आगे नहीं जाती है। परिवार वालों से पूछे चलोगे, बोले क्यों नहीं, शमशान तक चलेंगे, राम नाम सत्य करते करते, बोले उसको बाद में फिर और आगे नहीं चल सकते, यहीं पर चले गए। अब ध्यान देकर सुना, जो चतुर्थ जो पत्नी, राजा जिसको प्रति एकदम ध्यान नहीं दिया, कभी भी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, लेकिन जब अंतिम समय में उसको पूछा कोई कहती है साथ में चले गए। आप बताओ ये चौथी रानी कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा हम नफरत करके रखे, सबसे ज्यादा उसको कोने में फेंक करके नेग्लेक्ट करके रखे, लेकिन अंतिम समय में वही काम में आने वाले कौन है? बोलो जोर से, भक्ति। भगवान की भक्ति, भगवान की भजन है, भगवान का नाम है। अगर किसको बोलो थोड़ा भैया भगवान की हरि नाम पर कोई समझता है, ये सब बेकार चीज है। जिसको पास कोई काम धंधा नहीं है ना, कोई सब बैठ करके हरे कृष्ण करते रहते हैं। हमारे पास में बहुत काम, सिनेमा देखेंगे, टीवी देखेंगे, गप्पे मारेंगे, यार दोस्तों में घूमते रहेंगे, यही बोलते हैं ना, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, अभी सुन रहे थे ना क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात है, यही बोलते हैं ना। ये बात किसको सुनाते हैं? वो जो ऊपर जो लेटा हुआ है, जिसको ले जा रहे हैं उसको ही सुनाते, बोले भैया जीवन में जितने राम का नाम, जितने कृष्ण नाम लिया वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किए हो यहाँ छोटे में बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ में अभी नहीं जा रही, सब यही छोड़ करके जा रही, इसलिए विदा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल दीन मरे सदगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए आप लोग से मैं एक प्रश्न करता हूँ, बताओ चार रानियों में सबसे ज्यादा कौन से रानी को अभी पसंद करेगा? बोलो कौन सा नंबर रानी को आप सबसे ज्यादा प्रेम करोगे जीवन में? जोर से बोलो भाई, बोल दीजिए। हाँ आप लोग सब समझ गए हो, मतलब भगवान के नाम को, ठीक है ना ठाकुर जी की, नाम धन ही जीवन का सार है, हैं? इसलिए जीवन में सबके सब हरि नाम करना, यही हरि नाम ही हमारी असली काम में यही आने वाले हैं। अगर जगत में कभी बड़े बन सकते हो ना, ठाकुर का नाम करके बड़े बन सकते हो। हनुमान जी को देखो, रघुपति राघव राजा रामपति तपावन सीताराम, गोस्वामी जी कहते शंकर जी रामायण पढ़ करके देखो, बोले पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, शंकर जी पंचमुख में राम का नाम लेते हैं। आप माता जी के आठ हाथ देखना, एक हाथ में माला है। शंकर जी को माता जी प्रश्न करती है, बोले प्रभु किसकी नाम जप करिए? शंकर खुद कहते हैं, बोले राम रामति रमति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विष्णुल्यम श्री राम नाम बरा, बोले हे सुंदरी पार्वती विष्णु सहस्र नाम एक बार करने से जो फल, एक बार राम नाम से वही फल मिलेगा, इसलिए माता पार्वती हाथ में माला लेकर के हरि के नाम जप करती है, हैं? गणेश जी नाम सुनते हो सबसे पहले क्यों पूजा होती है? गोस्वामी जी कहते हैं सहस्र नाम, कहते हैं गोस्वामी जी कह रहे जो इसीलिए प्रथम पूज्य तो नाम प्रभाव, गणेश जी का जो पहला पूजा हो रही है ना वो नाम के प्रभाव से ही पहला पूजा हो रही है। ब्रह्मा की चार हाथ में देखना, एक हाथ में माला है, सरस्वती की चार हाथ देखना माला है, इसलिए एक भजन में कहते हैं पहले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, 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 कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई।
इसलिए हमको कल रात को जाना पड़ेगा, तभी फिर हम परसों
वो कथा की शुरुआत कर सकते हैं। फिर नियम है कथा के बाद में यज्ञ होनी चाहिए, इसलिए यज्ञ से संपूर्ण हो जाता है, इसलिए कल यज्ञ भी यहाँ पर होगी। वो जो यज्ञ है वो साधारण यज्ञ नहीं है, ये भगवान विष्णु का देवता मंत्र से यज्ञ है और नारायण कवच का ये यज्ञ है, जिसमें बोलते ना हमारे ऊपर ये ग्रह है, हमारे ऊपर में काल सर्प के ग्रह है ये ग्रह, लेकिन उसमें जो आहुति देते हैं ना वो नरसिंह देव का जो मंत्र है, सुदर्शन चक्र का भी मंत्र है, जिसको करने से सारे ग्रह नष्ट हो जाता है, सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं जो यज्ञ हो जाता है। इसलिए हो सके अपना घर से थोड़ी थोड़ी हमारा सामग्री ले आओ, नहीं तो अगर प्योर घी हो, ऐसे नहीं जो घी अपने खा रहे हो वो घी से नहीं, शुद्ध रूप में थोड़ी सी घी ला सकते हो, हवन सामग्री हो तो ला सकते हो अपना हाथों से, आप उसमें आहुति देना, आहुति देने से घर का दुख कष्ट हमारी खत्म हो जाती है। इसलिए कल कथा कितने बजे होगी? 9 बजे कथा होगी, और कोशिश करेंगे 12 बजे कथा को विश्राम कर देने के लिए, फिर उसके बाद में यज्ञ होगी। और जो कल की जो कथा है, जैसे कोई व्यक्ति 6 दिन तक कथा नहीं सुन पाए, लेकिन कल का जो कथा सुन लेगा ना उसको 7 दिन कथा सुनने का फल मिल जाएगा। जो कल जो कथा होगी हम एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, कैसे एक भक्त से दूसरे, दूसरे से तीसरे कैसे श्रेष्ठ है, वो बृहद भागवतामृत कथा, इसको सुनने से पूरी कथा सुनने का फल मिल जाते हैं। इसलिए कल कथा की सबसे ज्यादा महत्व, कल सभी के लिए प्रसाद भी, कल सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, हम लोग कोशिश करना टाइम से आने के लिए। अभी हम लोग गिरिराज की पूजा करेंगे, आज गिरिराज की कथा है, प्रभु जी आपको गिरिराज की थोड़ी कथा सुनाएंगे, फिर मैं लास्ट में कथा सुनाऊंगा। गिरिराज बनाया और ठीक है, हाँ देखो आज गिरिराज बनाया, बोले श्री गिरिराज महाराज की। हाँ देखो ये गिरिराज हो सके तो हम बीच में रखेंगे, आप लोग उसको 4 बार परिक्रमा करना, क्योंकि जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं वो ठाकुर जी कृष्ण उसको गिरिराज पीछे 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 घूमते हैं, इतना कष्ट करके मेरी परिक्रमा करना है, इसको क्या मांगता है उनसे, जो मांगो गिरिराज, गिरिराज सारी इच्छा को गिरिराज पूरी करते हैं। हमारी बात छोड़ दो, कृष्ण की इच्छा भी पूरी करने वाले गिरिराज, सारा दुनिया कृष्ण परिक्रमा करते हैं लेकिन कृष्ण गिरिराज की परिक्रमा की है, इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा, हम बीच में रख करके हम लोग 4 बार परिक्रमा करना है और गिरिराज से जो मांगना गिरिराज से मांग लें। बोलो वांछाकल्पतरुभ्यः पातिन्दुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद भक्ति गोसाई महाराज जी, पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, आप सभी उपस्थित वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा यथायोग्य। आज गिरिराज जी का पूजन है, सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न है, आप में से वो व्यक्ति हाथ खड़ा करे जिसने आज तक गिरिराज जी के दर्शन नहीं किए, गोवर्धन के जिसने दर्शन नहीं किए, बहुत ही कम लोग हैं, आपने नहीं किया तो जिन्होंने नहीं किए भैया अपनी जीवन रहते दर्शन कर लो, साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है गिरिराज जी, एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए, यहाँ पे तो बड़े ही बड़भागे लोग हैं, सबने एक एक बार दर्शन किया है। राज महाराज जो है इनकी कथा आती है भागवत में, कथा में वर्णन आता है कि आपको शायद कथा सबको पता ही होगी, गिरिराज जी की संक्षेप में वर्णन करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, महाराज जी को भी कथा करनी है, हम लोग दोबारा बैठेंगे गिरिराज जी की कथा के लिए, कल है
18 तारीख को हम बैठेंगे दोबारा, केदार जी की कथा करेंगे बांके बिहारी मंदिर में शाम को 7 से 8 बजे शाम को बैठेंगे, 1 घंटा केदार जी की कथा करेंगे, पूर्ण रूप से केदार जी की महिमा का जो है गान करेंगे, तब जाके पता चलेगा। अभी थोड़ी संक्षेप में कथा वर्णन करते हैं। गिरिराज जी की कथा में वर्णन आता है कि हर साल क्या होता था, इंद्र का यज्ञ करते थे नंद बाबा, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे पर्जन्य गोपादि वो इंद्र का यज्ञ करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि इंद्र क्या है, वर्षा का देवता है, और हम लोग क्या है, किसान है, खेती और पशुपालन हमारा कार्य है, हमारा व्यवसाय है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, घास चाहिए, खेती के लिए भी पानी चाहिए, तो पानी कहाँ से मिलेगा, पशुओं के लिए चारा चाहिए, वो पानी मिलेगा वर्षा से, वर्षा का देवता इंद्र है, इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं। लेकिन एक दिन भगवान कृष्ण जब 7 वर्ष के हो गए हैं, तो एक बार नंद बाबा के पास गए हैं 7 वर्ष पूर्ण होने के बाद, और बोलते हैं बाबा ये क्या कर रहे हो, तो बाबा बताते हैं ये इंद्र का यज्ञ है, इस प्रकार से यज्ञ होता है। तो वहां पे जो कृष्ण है वहां पे कर्म की स्थापना करते हैं, बोलते हैं कर्म से ही प्राणी पैदा होते हैं, कर्म करके ही मरते हैं, हर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करता है। एक हॉस्पिटल में 2 बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते तो किसी ने कोई कर्म नहीं किया, एक को पीने के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें आ रही हैं, एक को पीने के लिए दूध भी नहीं है, तो कर्म ही ईश्वर है, वहां पे भगवान ये स्थापना कर देते हैं कर्म ही ईश्वर है। तो आप लोग बताओ क्या कर्म ही ईश्वर है या नहीं, कौन लोग कहते हैं कर्म ही ईश्वर है, कौन कहते नहीं कृष्ण ईश्वर है। देखो भगवान स्वयं वहां क्या कह रहे हैं भागवत में, कर्म ही ईश्वर है, इसलिए बाबा इंद्र का लेना देना क्या बारिश में, रजोगुण से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसी रजोगुण के कारण बारिश होती है, तो हम लोग इंद्र की पूजा क्यों करें, हम लोग पूजा करेंगे गिरिराज जी की। बोले क्यों, इसमें लॉजिक क्या है, बोले गिरिराज जी जो है ऊंचे हैं, इसके ऊपर पर्वत टकरा टकरा कर बारिश करते हैं, गिरिराज जी भी वर्षा का कारण बनते हैं, और गिरिराज जी ने हमारे पशु क्या करते हैं, घास चरते हैं, और गिरिराज जी हमारे पशु हमें ही खाने के लिए बढ़िया बढ़िया फल देते हैं, सब सुविधाएं देते हैं, इसीलिए हम गिरिराज जी का पूजन करेंगे। तो यहाँ पे विश्वास करते पाद जी की टीका सुननी बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग भ्रमित हो जाएंगे। बहुत सारे सनातन धर्म मंदिरों में भी लिखा होता है कर्म ही ईश्वर है, लेकिन कर्म भैया ईश्वर नहीं है, कर्म कभी भी ईश्वर नहीं होता। तुलसीदास लिखते हैं छूट ही मल की मल रही के धोए, गृत की पाव कोई बारी भी होए, अरे मैले पानी से क्या मैल धो, मैले पानी से कपड़े धोओगे गंदे तो क्या मैल छूट जाएगा, पुराना मैल छूट जाएगा, नया मैल चढ़ जाएगा। कर्म से कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, कर्म कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता, कर्म के निंदा कौन है, भगवान ही। लेकिन यहाँ पे भगवान ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे भगवान ने नंद बाबा को डाइवर्ट करना है, इसलिए उन्होंने एक ऐसा लॉजिक दे दिया, लेकिन ये हमारे लिए मान्य नहीं है। कई जगह पे हमने मंदिरों में भी देखा है लिखा होता है कर्म ही ईश्वर है, कर्म ईश्वर कदापि नहीं हो सकता, ईश्वर है कृष्ण, इसलिए बोला गया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर कौन है, परम कृष्ण है, वो अनादि है आदि है और सभी कारणों के कारण है, और भगवान का कोई कारण नहीं है, भगवान का कोई कारण नहीं है कि भगवान को किसने पैदा किया, इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि भगवान परम कृष्ण है। तो इसीलिए वहां पे भगवान ने कर्म का जो प्रतिपादन किया विश्वाचार्य पाद जी कहते हैं उसको मान्य नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घर में बैठ के भागवत पढ़ेगा, संतों का संग नहीं करेगा, तो उसको क्या लगेगा, भागवत में तो लिख रखा है भैया कर्म ही ईश्वर है, कर्म करो भगवान की पूजा क्यों करते हो, जैसे इंद्र की पूजा बंद करा दी इसी प्रकार भगवान की पूजा भी बंद कर देगा। जब कर्म ही ईश्वर है, कर्म से सारा कुछ होगा, अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। इसीलिए टीका पढ़ना जो है संतों के अनुगत्य में कथा सुनना बहुत जरूरी है। अभी दूसरी आगे की बात क्या हुई, भगवान सारे गोपियों ने क्या किया, भगवान की बात मान ली, कृष्ण की बात मान ली, और क्या किया, गिरिराज जी का पूजन शुरू कर दिया। गिरिराज जी को बड़े प्रकार के भोग लगाए गए, भगवान ने कहा जितने भी भोग बना रहे हो सारे गिरिराज जी को भोग लगा दो, और क्या करो सारे बड़े बड़े कुंडों में भर के गिरिराज जी के सामने बहुत सारी खीर, बड़े बड़े कुंड बनाए गए, खीर का कुंड, दाल का कुंड, चावल का पहाड़ जैसे चावल बनाया गया, और सब गिरिराज जी के सामने रख के प्रस्तुत कर दिया गया, और सारे ब्रजवासी खड़े हो गए। अब एक रूप में कृष्ण कहाँ खड़े हैं, नीचे नंद बाबा यशोदा मैया के साथ छोटे से कृष्ण, 7 वर्ष का बालक कितना होगा, यहाँ कोई 7 वर्ष का बच्चा है, छोटे से कृष्ण खड़े हैं एक रूप में नीचे, और ऊपर सामने ऊपर गिरिराज पर्वत है, उसके सामने सारे भोग रख दिए नाना प्रकार के, और एक रूप में कृष्ण ही गिरिराज में प्रकट हो गए। अब ब्रजवासी देख रहे हैं लाला, कृष्ण क्या बोलते हैं, देखो आज तक क्या इंद्र ने हमें दर्शन किया, तो कहते नहीं, बोले देखो ये साक्षात है हमें दर्शन की अच्छा हुआ ना। तो ब्रजवासी कहते लाला बात तो सही है, अब इतने में जो कृष्ण ब्रजवासी है भोले वाले, अब ब्रजवासी देख रहे हैं ये लाला की तरह ही लग रहे हैं हमारे,
लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, बोलते हैं अरे ये तो हमारा जो देवता है गिरिराज देवता, इसकी जो शक्ल है वो हमारे लाला के साथ कितनी मिलती है, लेकिन फिर भी उनको ये नहीं लगता कि ये कृष्ण ही है, इसको कहते हैं प्रेम। उसके बाद क्या हुआ, जो कृष्ण गिरिराज में दिख रहे हैं उनको, देखो भगवान ने एक तरह से अपने आप को धारण किया हुआ है गिरिराज पर्वत, तो यहाँ पे कृष्ण जो दिख रहे हैं वो बोल रहे हैं ब्रजवासियों मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, अब तुम सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो, अभी मैं ये भोग जो है ग्रहण करूंगा। क्योंकि तो राज्य के सामने भोग रख दिया गया, ब्रजवासियों ने आंखें बंद कर ली, जैसी ब्रजवासियों ने आंखें बंद कर ली, अब थोड़ी देर बाद थोड़ी तो देखा कुछ नहीं है, तो सारे ब्रजवासियों के मुंह इतने से हो गए, क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं भगवान को भोग लगा दिया कि ठाकुर जी भोग सच में खाने लग जाए तो इतना भोग थोड़ी आएगा, फिर उस हिसाब से रखेंगे। तो ठाकुर जी ने देखा अरे ये ब्रजवासी है बड़े पक्के हैं भैया, अगले साल भोग नहीं लगाएंगे, तो इसीलिए ठाकुर जी ने क्या कहा, ठाकुर जी तो भी खड़े हैं इतने ब्रजवासी कृष्ण को क्या बोलते हैं, लाला देवता तो तेरा सच्चा है बिल्कुल साक्षात है, लेकिन लगता है भूख हो रहा है सारे ही खा गया। तो ठाकुर जी कहते ब्रजवासी जो है ये कभी भोग नहीं लगाएंगे, तो ठाकुर जी बोलते हैं अभी तुम सब लोग अपनी आंखें बंद करो, सबने अपनी आंखें बंद कर ली, जब दोबारा आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं दस दस गुना सारा आ गया। इसीलिए ये मान्य है कि कोई गिरिराज जी को एक अंड का दाना देता है उसके घर में कभी भी किसी भी जन्म में अन्न की कमी नहीं रहती, इतनी महिमा है गिरिराज जी की। तो गिरिराज महाराज की अब ये वाली लीला हो गई। उसके बाद क्या हुआ, गिरिराज जी की परिक्रमा करी है भगवान ने, सबसे पहली परिक्रमा गिरिराज जी की किसने करी, कृष्ण ने राधा जी के साथ, सब गोपियों के साथ, नंद बाबा के साथ, सारी गायों आगे कर दी, गाय गैया आगे कर दी, स्वयं कृष्ण ने परिक्रमा करी है गिरिराज पर्वत की और गिरिराज की पूजा का प्रवर्तन किया। तो विश्वा चौपति पाद जी कहते हैं कि भगवान का ये लीला करने का उद्देश्य क्या है गिरिराज जी की, बड़े ही इसके पीछे कारण निहित है। सबसे पहले तो भगवान ने क्या करना था, इंद्र की पूजा बंद करानी थी, इंद्र की पूजा बंद करा के गिरिराज जी की पूजा का प्रवर्तन करना था, ये पहला कारण कि गिरिराज जी की पूजा के द्वारा भगवान ने किसकी पूजा कराई, अपनी ही पूजा कराई। अब राधा कृष्ण गिरिराज जी का अभिषेक कर रहे हैं और गिरिराज जी ने भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया, तो स्वयं भगवान ने अपना ही अभिषेक करके दिखाया ब्रजवासियों को। इसलिए जो कोई गिरिराज जी का अभिषेक करता है भैया उसको बड़ा बड़ा लाभ है, उसके जैसी कोई बात नहीं है। इसीलिए हम लोग भी कभी कभी गिरिराज जी का अभिषेक करने जाते हैं, जब हमारी ब्रजवासी को परिक्रमा निकलती है उस समय भी गिरिराज की पूजा आती है दिवाली के अगले दिन, तब हमारे मठ से बहुत सारा अन्नकूट लेके चलते हैं, हम गिरिराज जी को भोग लगाते हैं और गिरिराज जी का महाराज जी अभिषेक करते हैं, बड़ा ही आनंद आता है। कई लोग यहाँ से जाते हैं वहां पे उस जो है दृश्य को वहां पे सम्मिलित होते हैं उस पूजा में। तो यहाँ पे भगवान ने क्या किया, गिरिराज जी की पूजा के द्वारा अपनी पूजा करी, सबसे पहली परिक्रमा गिरिराज जी की भगवान ने की, पूजा भगवान ने की गिरिराज जी की राधा जी के साथ। अब क्या हुआ, जब भगवान ने ऐसा किया इंद्र कुपित हो गया, इंद्र ने सावर्तक नामक मेघ जो क्या है प्रलय लाने वाले मेघ जो प्रलय के लिए काम आते हैं उनको भेज के ब्रज को तहस तहस कर दो। जब ब्रज में ऐसे पात हुआ आंधी तूफान चला तो सारे ब्रजवासी डर गए, भैया इंद्र ने इनको कर दिया, तो सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास आ गए। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, देखो गिरिराज जी का हमने पूजा किया, गिरिराज जी हमारे देवता, गिरिराज जी हमारी रक्षा करेंगे। तो ठाकुर जी सबको लेकर गिरिराज जी के पास चलेंगे और गिरिराज जी को भगवान ने क्या किया, इस उंगली पे धारण कर लिया। देखो ये उंगली में सबसे कम जोर होता है, ये उंगली इस ये वाली जी भी इसमें भी जोर है, इसमें जोर ही नहीं है, देखो हिला के देखो पता चलता है। भगवान ने इस उंगली पे गिरिराज जी को धारण किया बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पे, और गिरिराज जी को 7 रात 7 दिन तक धारण किए रखा, और सभी लोग भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं, किसी को भी कुछ पता नहीं चला, ये तो हुई लीला। अब इंद्र है जो सावर्तक नामक मेघ थे वो बारिश कर करके थक गए, पूरा पानी खत्म हो गया, और बाद में हाथी की सूंड होती है ना इतनी मोटी मोटी बारिश हुई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, अगर यहाँ कहीं हो जाए तो पूरा प्रलय हो जाएगा, प्रलय वाले बादल थे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ। और जब इंद्र हार गया तो अपने गुरु की शरण में गया, बृहस्पति जी ने उनको भेजा है, इंद्र अकेले आते डर रहा था भगवान के पास। अब जब हम किसी के साथ पंगा ले लें बड़े व्यक्ति के साथ, अगर उसके पास दोबारा क्षमा मांगने जाना हो तो क्या करना चाहिए, कुछ उपहार लेके जाओ और ऐसे व्यक्ति को साथ ले जाओ जिसकी उसके साथ बनती है, फिर वो क्या करता है उसको आगे कर दो, अब वो गाली देने लग गया तो कोई ना कोई ना। अब इंद्र ने क्या किया, सुरभि गाय को साथ में ले लिया, एरावत हाथी की सूंड में आकाशगंगा का जल भर लिया, ठाकुर जी का अभिषेक करूंगा, और इंद्र चला है भगवान को मनाने। ये गिरिराज जी की लीला कब हुई है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन भगवान ने गिरिराज को धारण किया, नौमी तक भगवान ने गिरिराज जी को धारण करके रखा। जब
बादल सूख गए तो इंद्र जब हार गया तो ठाकुर ने गिरिराज को पुनः स्थापित कर दिया। दशमी के लिए इंद्र जो है भगवान की पूजा करने के लिए आया है और एकादशी का व्रत भी इंद्र ने ब्रज में रहकर पालन किया है, इसलिए सबको एकादशी करनी चाहिए। अब यहाँ पे जब इंद्र सुरभि गाय को लेके आया तो सुरभि गाय ने वहां पे खड़े खड़े इंद्र की बेइज्जती कर दी। अच्छी सुरभि गाय क्या बोलती है, प्रभु जी इंद्र मुझे लेके तो आया लेकिन ये इंद्र होगा लोगों का राजा, देवताओं का राजा होगा, हमारे राजा तो आप हैं। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है कृष्ण की सुरभि गाय ने, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। इंद्र को भी भगवान ने कोप नहीं किया, बताओ क्यों, ये ब्रह्मोहन लीला में बताया इंद्र पर भगवान ने कोप क्यों नहीं किया, भगवान ने क्रोध क्यों नहीं किया इंद्र पर, जबकि उसने बहुत गलत काम किया था। उसकी मंशा क्या थी, ब्रज को पूरा तहस नहस कर दूंगा, ब्रजवासियों को मार दूंगा, फिर भी भगवान ने इंद्र पर कोप नहीं किया। जब इंद्र ने क्षमा मांगी तो भगवान कहते तुम मेरे पुत्र हो, पुत्र से कभी कभी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, ऐसे बोल दिया। और जबकि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं प्रभु मैं आपका पुत्र हूँ, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, तब भी भगवान ने कुछ बोला नहीं और चले गए ब्रह्मा जी मोहन स्मृति लक्ष्मण मान के। लेकिन इंद्र के केस में भगवान ने बताओ क्यों नहीं कोप किया, क्योंकि सारे ब्रजवासी भगवान के निकट आ गए। लीला ऐसी हुई कि ब्रजवासी सारे भगवान के और भी निकट आ गए। पहले तो कभी कभी ठाकुर जी अपने घर में जाते थे, रात को तो सोते थे अपने घर, अब सात दिन तक ब्रजवासी भगवान के और भी निकट आ गए। लीला ऐसी हो गई कि भगवान को आनंद आ गया, इसीलिए इंद्र पर। और भगवान ने अपना गोपियों के सामने हीरो भी दिखा दिया अपने आप को, अब गोपियां आकर्षित हो गई। और अगले ही साल रास हुआ है, रासलीला जो है वो आठवें वर्ष के बाद की लीला है, इसीलिए नौवें वर्ष में रासलीला हो गई। इसीलिए यहाँ पे भगवान ने एक लीला के माध्यम से अपनी कई लीलाएं जो है पूर्ण की है, इसीलिए इंद्र पर क्रोध नहीं किया। इंद्र को तो एक जैसे बोलते हैं ना मोहरा बना लिया और अपने कई कार्य सिद्ध कर लिए। अब कई गुरुदेव बताते थे इसमें एक कारण नहीं है गिरिराज धारण करने का इंद्र का कोप, कई कारण है। पहला कारण क्या है, नंद बाबा का धन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो भगवान यहाँ शिक्षा देना चाहते हैं भैया धन का बहुत अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। कई लोग सारा दिन पैसे जोड़ते रहते हैं, इतना हो गया इतना हो गया, और फिर क्या होता है, भागवत के 11वें स्कंध के 23वें अध्याय में लिखा है कि प्राय पुरुषों को देखा जाता है, मनुष्यों को देखा जाता है, सारा जीवन अपना धन कमाने और उसको जोड़ने में लगा देते हैं, अंत में वही धन उसको नर्क में लेके जाने के काम आते हैं। क्योंकि धन की तीन ही गतियां बताई गई है, पहली गति है उसको भगवान की सेवा में लगा दो, संत वैष्णव की सेवा में लगा दो, दूसरी गति है उसको खर्च कर लो, भोग कर लो, बढ़िया खाओ पियो मौज करो, तीसरी गति क्या है, नष्ट हो जाएगा कुछ काम में नहीं आएगा। सबसे पहली गति है उत्तम गति, दूसरी गति मध्यम गति है जिसके कारण दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पे, तीसरी गति है नर्क में लेके जाने वाली साक्षात। और ज्यादातर लोग ऐसे ही है, 90% लोग जिनको सिर्फ कमाना का नॉलेज है, खाने पीने की और इंजॉय करने की नॉलेज या भक्ति करने की या सेवा में लगाने की नॉलेज नहीं है, बस कमाते जाएंगे पता नहीं क्यों। तो यहाँ भगवान ने जब देखा कि नंद बाबा का धन बहुत बढ़ गया है तो इसको व्यय कराना चाहिए, तो भगवान ने ये गोवर्धन धारण लीला कर दी। तो पहली शिक्षा दी है धन को ज्यादा अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। दूसरी शिक्षा दी है भगवान ने देखा अरे ये ब्रजवासी मेरे को इतना मानते हैं लेकिन फिर भी देवी देवताओं की पूजा में उलझे हुए हैं, तो इनको क्या करना है, मैं अपनी पूजा में लगाऊंगा, अर्थात गिरिराज की पूजा में परिवर्तित कर दूंगा। इसीलिए भगवान ने क्या किया, ये कर दिया। अब भगवान ने एक और शिक्षा दे दी, मान लो हम जैसा कोई बद्ध जीव कोई देवी को मानता है कोई देवता को मानता है, वो भी भगवान की कृष्ण को मानने लग गया, सात दिन भागवत कथा इस रूप में पता चल गया कृष्ण स्तु भगवान स्वयं भगवान कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान है, हिंदुओं को पता चल गया हमारा गॉड कौन है, अब पता चल गया कृष्ण ही भगवान है, अब कृष्ण की पूजा करेंगे। लेकिन जब देवी के नवरात्र आए, 40 साल से घर में नवरात्र रख रहे थे, अब मन में चिंता हो रही है नवरात्र घर पे ना रखो, श्रद्धा तो नहीं है लेकिन मन में लग रहा है इतने सालों से रखते आ रहे हैं रखे के ना रखे, कभी रखने का मन करता है श्रद्धा हो नहीं रही। तो इस तरह से भगवान ने क्या किया, इस लीला के सामने उठाया कि अगर तुम्हारे हृदय में कोई मतलब इस तरह की भावना आती है कि मैं कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ, और अगर कोई देवी देवता कोप ना कर दे, तो अगर वो देवी देवता कोप करेगा भी तो मैं रक्षा करूंगा गिरिराज को धारण करके तुम्हारी, जैसे गिरिराज को धारण करके ब्रजवासी की रक्षा की, कोई देवी देवता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सारे देवी देवताओं में कृष्ण बड़े हैं और उनके उनकी सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है। तो यहाँ पे इस लीला के माध्यम से भगवान ने ये भी दिखाया कि अगर भगवान को संतुष्ट कर लिया तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे, अगर कोई देवी देवता वैसे तो कोप करेगा नहीं, अगर कोप करेगा भी तो मैं रक्षा कर दूंगा। और एक और इसके माध्यम से भगवान ने दिखाया, वो बड़ी गूढ़ लीला है, वो आपको 18 तारीख को ही बताएंगे, जो सबसे मूल कारण गुरुदेव बताते थे कि भगवान की हर लीला के पीछे कारण होता है राधा रानी, तो यहाँ राधा रानी क्यों कारण बनी कि राज की लीला में, वो 18 तारीख को हम लोग बैठेंगे दोबारा, आप सब लोग आइए शाम को 7 बजे से 8 बजे, जो लोग आगे भी देखिए ये जो
सात दिन की भागवत कथा होगी, इसमें तो महाराज जी ने ज्यादातर इसी बात पे जो है जोर दिया है, सब लोग भागवत के अर्थ को समझे, भागवत हमें क्या देती है, हरि नाम भगवान की भक्ति, इसीलिए महाराज जी ज्यादा विषयों को जो है स्पर्श नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे क्या है, हमारे गुरु वर्ग, हमारे संतजन, देखिए ये हमारी पूरी गुरु परंपरा है, साधारण नहीं है ये, सबने इतना भजन किया सोच नहीं सकते, शास्त्रों को घोट पे पी रहे हैं, समझो इतना ज्ञान इतनी भक्ति सोच नहीं सकता कोई, तो महाराज जी को चर्चा करने बैठे तो आप लोगों के पास समय नहीं रहेगा, महाराज जी तो हमेशा प्रस्तुत है, लेकिन वही बात है कि सात दिन में कितनी कथा होगी, 3 घंटे के लिए बैठे उसमें भी 2 घंटे मिलते हैं, इसीलिए अगर आप सब चाहते हो कि हम इन सब कथाओं को दोबारा दोबारा अच्छे से सुने, इसमें अवगाहन करें, तो हम लोग बीच बीच में आते रहते हैं, बांके बिहारी मंदिर में कथा होती है 7 से 8 जैसे 18 तारीख को भी, उसमें भी आगे भी कथाएं होंगी, आप लोग अपना नाम और नंबर दे दीजिएगा वहाँ आगे जहाँ पे प्रभु जी बैठे हैं, या हर्ष प्रभु जी को दे दीजिए, ताकि हम आपको मैसेज कर सके, क्योंकि हम लोग हर बार पैम्फलेट नहीं छुपवा सकते, फ्लैक्स नहीं लगवा सकते, बस हम लोग सिंपली आगे मंदिर में बैठ के कथा करते हैं। 18 तारीख को भैया जो मंदिर में कथा होगी, कोई बाजार नहीं होगा, कोई प्रणामी नहीं होगी, कोई प्रसाद नहीं होगा, सिंपल कथा होगी बस, लेकिन उस कथा में हम क्या चर्चा करते हैं, यही भागवत के जो विषय छूट गए हैं उन्हीं विषयों पे चर्चा होती है, तो आप सब लोग आइए, ताकि हम लोग अपने धर्म को जान सके, हम सनातन है और हमारा धर्म सबसे बड़ा है, सनातन का अर्थ क्या होता है, जो आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा, लेकिन हम लोग ही सबसे ज्यादा अपने धर्म को त्याग करके बैठे, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि कितने रिच हैं हम, कितने मिलेनियर हैं हम लोग, हम लोगों के पास कितना धन है, कितनी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हैं, तो आप सब लोग आया कीजिए कथा में, और जब भी वृंदावन आओ, हमारा मठ है रूप सनातन गोड़िया मठ, इधर उधर ना रुके, मठ में रुको, मठ में रुकने से आपको साधुओं का संग मिलेगा, भगवान का प्रसाद पाने को मिलेगा, और वहां पे अनायास ही भक्ति हो जाती है, जो लोग भी मठ से जुड़े हैं हमारे यहाँ पे, वो भी वहीं और रहना पसंद नहीं करते, बोलते प्रभु जी मठ में जगह है तो आएंगे, नहीं तो बाद में आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि उनको वहां पे कुछ लाभ हो रहा है, जब जीवन परिवर्तित होता है तभी लाभ है, जीवन ही परिवर्तित ना होगा तो फायदा क्या, आज यहाँ कथा हो रही है, कल कहीं और होगी, फिर वहां चले जाएंगे, फिर ऐसे करते करते समय निकल जाएगा, इसीलिए आप सबसे प्रार्थना है कभी भी आओ तो हमारे वृंदावन में रूप सनातन गोड़े मठ है, सेवा कुंज वाली गली में, जहाँ ठाकुर जी ने राधा जी के चरण दबाए हैं, आपको इतनी सुंदर सुंदर लीला कथा सुनाएंगे वहां पे, लीला स्थलियों के दर्शन करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि सही जगह जुड़ रहे हो, सही जगह से कुछ लाभ हो, नहीं तो इस तरह से इस कथा को मत लेना कि जैसे अन्य संत आते हैं, ये सब भी करना पड़ता है, इसीलिए जो म्यूजिक चलता है या अन्य अन्य भजन गाए जाते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट होकर आ जाए, लेकिन मूल उद्देश्य यह नहीं है, हमारे मठ में जो भजन गाए जाते हैं वो तो आपको समझ ही नहीं आएंगे, धीरे धीरे जाके समझ में आते हैं जब कोई प्रवेश करता है भक्ति में, तो इसीलिए यही गिरिराज जी की लीला है, बाकी महाराज जी भी सुनाएंगे थोड़ा, एक मिनट सुना, गिरिराज महाराज की, जोर से बोलो, पता लगे कथा हो रही है, श्री गिरिराज महाराज की, देखो जब ठाकुर जी ने गिरिराज की पूजा की, ब्रजवासियों को बोले भैया चलो खाते पीते परिक्रमा लगाएंगे, आप भी हमारे साथ साथ में चलो, हम भी मानसिक रूप में परिक्रमा लगाएंगे, देखो परिक्रमा दो तरह से, एक तो शरीर से और एक मन से, लेकिन शरीर से परिक्रमा लगाने का जितने महत्व है उससे ज्यादा परिक्रमा लगाने का मन का ज्यादा महत्व है, मन की ज्यादा महत्व है, इसलिए हम मानसिक रूप में परिक्रमा लगाएंगे। एक छोटी सी कथा सुना, कोई एक ब्राह्मण रोज सत्संग सुनते थे, सत्संग सुनते सुनते एक दिन उन्होंने सुना है ठाकुर जी कहते देखो अगर किसको पास में कुछ भी नहीं हो, अगर मन मन में अगर मेरे कुछ दे देना मैं ग्रहण कर देता हूँ। वो तो खुश हो गया, वो सोच रहा था मेरे पास में पैसा धन दौलत कुछ है नहीं, हम ठाकुर को कैसे सेवा करें। वो क्या करता है, बैठ करके मन मन में मंदिर बनाता है, मन मन में भोजन बनाता है, मन मन में ठाकुर जी को खिलाता है। एक दिन ऐसे करते करते इतने आविष्ट हो गया, सोचा आज सोने की मंदिर बनाएंगे, मन मन में सोने की सिंहासन बनाएंगे, सोने की लक्ष्मी नारायण को स्थापन की, रेशमी वस्त्र की बड़े सुंदर एम्ब्रॉयडरी का काम ठाकुर को उन्होंने श्रृंगार कर किया, और गंगा पानी ला करके पंचामृत से मन मन में उनको ठाकुर को स्नान कराया, सोचा आज ठाकुर को खीर खिलाएंगे, बड़े सुंदर गैया दूध में मिश्री डाल करके काजू पिस्ता डाल करके उन्होंने खीर बनाया, बोले सोने की कटोरी में ठाकुर को भोग लगाएंगे, मन मन में कुछ नहीं वहां पर मन मन में सोच रहा है, सोने की कटोरी लाए, एकदम गर्म गर्म खीर अभी डाले,
सोचा नियम है ठाकुर जी को एकदम गर्म मत दो, जैसे चूल्हे से उतारे ठाकुर को दे दिया हमने, ऐसे हम भी नहीं खा सकते। जैसे हम खाते पीते हैं ठाकुर को, ऐसे ही सेवा करनी चाहिए। सोचा ये खीर गर्मी ना ठंडा थोड़ा टेस्ट करो, कैसे अंगुल डाल कर। लेकिन वो सचमुच से भाव में इतने डूब गया था वो व्यक्ति, जब उसने मानसिक रूप में अंगुल डाला ना, वो खीर एकदम फूट रहा था, एकदम उबल रहा था, और हाथ डालते ही वो हाथ फफला पड़ गया, हाथ उसकी फफला पड़ गया, वो कुछ नहीं फफला पड़ गया। इतने में वो जो ध्यान में बैठे ध्यान टूटा, ध्यान कुछ तहरी मानसिक रूप में कर रहा था, देखा उसकी अंगुल फफला पड़ा हुआ, बोले इसमें अपना अंगुल फफला पड़ी गई, ठाकुर का सेवा नहीं लग सकता, ये अपवित्र हो गया, दुखी होकर के रो रहा था। इतने में वैकुंठ में भगवान नारायण मुस्कुरा रहे हैं, मैया लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही थी, बोले प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। तब नारायण सारी कथा सुनाए, मर्त्य जगत में ऐसे मेरे के भक्त है जो मानसिक रूप में मेरे को खीर भोग लगा रहा था, लेकिन खीर गर्मी था, इतने मानसिक रस में डूबा हुआ था, वो खीर में अंगुल डाला तो अंगुल फुफला पड़ गया, वो बैठ करके रो रहा है ठाकुर को मैं भोग नहीं लगा पाया। बोले प्रभु इतने अच्छे अच्छे भक्त मरते जगत में, बोले हाँ, बोले मेरे को भी साथ में ले चलो, ऐसे भक्त को दर्शन कराओ। भगवान वैकुंठ से गरुड़ के ऊपर में वो भक्त लक्ष्मी को लेकर के आए, बोले देख लक्ष्मी ये भक्त है, ये भक्त बैठे करके मेरी सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी उसको वहां उठाए और वैकुंठ में उसको गरुड़ के ऊपर बैठा करके उसको वैकुंठ जगत में ले गए, वैकुंठ में उसको ले गए ठाकुर जी। मतलब जो मानस की सेवा में इतनी उत्कृष्टता है, इसलिए शरीर में तो यहाँ बैठो और हमारे साथ में गोवर्धन चलो। अभी ठाकुर जी ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, सबसे आगे कौन चल रहे थे, साधु संत ब्राह्मण, उसको बाद में जितने गैया थी ना सबके सब परिक्रमा कर रहे थे, उसको पीछे कौन चल रहे थे, जितना पुरुष लोग, उसको पीछे माताएं और सबसे पीछे राधा रानी चल रही थी। जब परिक्रमा थोड़ी दूर गई, अभी राधा रानी सोच रही है अगर सचमुच से कृष्ण मेरे अगर प्रियतम है, मैं चाहता हूँ कृष्ण मेरे को थोड़ी सी स्पर्श करे, तब मैं समझूंगी कृष्ण मेरे प्रियतम है। लेकिन कृष्ण तो बीच में, राधा रानी कहाँ पर, सबसे पीछे। अभी कृष्ण का राधा जी का भाव तो कृष्ण समझ गए, बोले भैया कैसे राधा जी की स्पर्श करो तो सबसे पीछे। इतने में कृष्ण ने किया गया एक बछड़े को मुंह पीछे किया और उसका पूछ को उन्होंने एंड दिया, एंड दिया तो इतने में वो बछड़ा खुदक कर हुए पीछे चला गया। इतने में कृष्ण बछड़ा का बहाना बनाया, पीछे गए और राधा रानी को उन्होंने स्पर्श कर दिया। राधा जी की हृदय तो प्रेम में गदगद हो गया, श्याम सुंदर मेरी मन की भावना को समझ गए, फिर थोड़ी दूर गए। फिर राधा रानी सोच रही है अगर श्याम सुंदर मेरे मन की भावना समझते हैं, एक बार श्याम सुंदर कृष्ण मुझे दर्शन दे। अभी कृष्ण दर्शन कैसे दे, कृष्ण तो बीच में। इतने में कृष्ण ने क्या किया, उनकी जो गैया चरण का जो लकुट था ना, वो लकुट को ऊपर में बड़े जोर से फेंके, फेंक करके कृष्ण छलांग लगा करके, जब वो लकुट को पकड़ने के लिए गए, कृष्ण छलांग लगाए ना, राधा रानी पीछे और कृष्ण बीच में, इनकी दोनों हाथ मिल करके एक हो गया, दोनों दोनों को दर्शन कर दिया। राधा रानी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। फिर राधा रानी सोचती है कृष्ण और एक बार दर्शन दे, बोले कैसे दर्शन दे। इतने में कृष्ण जो गैया चराने का जो लकुट थी उसमें हीरे मोती और उसमें सोने चांदी में बड़ा हुआ, वो ऐसे नहीं, हीरे जवाहरात से बड़ा हुआ मणि माणिक से। इतने में कृष्ण ने किया जो लठिया थी ना, वो लठिया को उन्होंने ऊपर कर दिया, ऊपर कर दिया तो कृष्ण का जो प्रतिबिंब है वो किसको पर, जो मणि भी जड़ी हुई थी उसको प्रतिबिंब पड़ा। इतने में राधा रानी पीछे थी, वहीं से उन्होंने प्रतिबिंब से श्री कृष्ण को उन्होंने दर्शन कर दिया। ऐसे ही करते करते पूरा परिक्रमा खाते पीते हुए बड़े परिक्रमा लगाए। अभी हमारे प्रभु जी बड़े सुंदर भजन गाएंगे, गिरिराज की भजन गाएंगे, आप लोग खड़े होकर के नृत्य करना, गिरिराज की परिक्रमा में जो नृत्य करते हैं ना, फिर उनको कभी किसी जीवन में अर्ण वस्त्र की कमी नहीं होगा। गिरिराज स्वयं बोले एक आज जो अन्न की दाना गिरिराज को भोग लग में लगाए, भगवान के वरदान कभी किसी घर में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं होगा। देखो कल श्री कथा की कल विश्राम है, कल कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगा, अगर आप लोग कोई बढ़िया साड़ी ला सकते हैं ना रुक्मिणी के लिए, फिर वृंदावन में हमारी जो राधा रानी, अगर अच्छी साड़ी लाओगे फिर वृंदावन में हमारी राधा रानी को हम उसको पहनाएंगे, कोई कोई साड़ी देते रुक्मिणी विवाह में।
और जैसे सुदामा जी ने चावल लाया था, अब थोड़े थोड़े चावल लाना। नियम है कि सुदामा जी चावल लेते हैं, जैसे सुदामा जी दो मुठ्ठी चिड़वा लेकर गए, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया। कल अगर थोड़ा थोड़ा चावल लाओगे यहाँ से, हम आपको थोड़ी थोड़ी चावल दूंगा। वो चावल को ले करके लाल कपड़े में कुछ सिक्का रख करके कहते ठाकुर जी के मंदिर में रखना, रखने से घर से लक्ष्मी कभी जाती नहीं, घर में लक्ष्मी वो टिकी रहती लक्ष्मी। इसलिए थोड़ा थोड़ा कल चावल लेकर के आना, और कल यहाँ पर, और कल हो सके तो थोड़ा गुलाल लेकर के आना, लास्ट में होली खेलेंगे, ठीक है। आज बिरज में होली की रस, यहाँ पर कल होली खेलेंगे। अभी प्रभु जी गिरिराज जी के अभी बोलते हैं फूल भी लेना, थोड़ा गुलाब भी लेना। हरे कृष्णा, नंद जशोदा आ रहे हैं, श्री गिरिराज गोवर्धन आ रहे हैं। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। बोले श्री नंद जशोदा की जय। हाँ देखो हरि बोल, इधर देखो, जो हरि नाम लेना चाहते हैं, माला लेना चाहते हैं, कथा के बाद में यहाँ से आकर के माला ले लेना और हरि नाम कर। हरि बोल। अभी आप सब लोग पीछे पीछे नृत्य कीजिए, इधर आगे की जगह खाली रखिएगा, क्योंकि गिरिराज जी का क्या ना हो जाए, एक तो पहला कारण। दूसरा, यहाँ पे वो जो बने हैं नंद यशोदा गोपियाँ वगैरह, उनका कोई नृत्य नहीं हो पाता, तो आप सब लोग थोड़ा पीछे भी कीजिए और अच्छे से दर्शन कीजिए, सबको लीजिए पीछे से नृत्य।